Hi guys, welcome back to another interesting gameplay, and today's gameplay is all about The Hunter Call of the Wild 2019 edition. दोस्तों आप सबका स्वागत है अजहर लाइव गेमिंग चैनल पे। आज का गेमप्ले है द हंटर कॉल ऑफ द वाइल्ड। दोस्तों आज के गेमप्ले में हम हंट करेंगे एक ब्लैक टेल डीर और वाइल्ड पिग, इट्स कॉल्ड वॉरथॉग। दोस्तों गेम में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर एक गेमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सके। चलिए गेम में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इस गेम की खास बात है इसके लाजवाब ग्राफिक्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह जो लैंडस्केपिंग डिज़ाइन किया हुआ है और जो नेचर एकदम नेचुरल फील आपको मिलता है, जैसे कि आप एक वाइल्ड फॉरेस्ट में घूम रहे हैं। चलिए गेम में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं गेम स्टार्ट करते ही हमको यहाँ पे बहुत ही ख़राब मौसम देखने को मिला है, बारिश ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। दोस्तों गेम काफ़ी सिंपल है, आपको यहाँ पे इंडिकेशंस मिलेंगे, एनिमल्स के फुटस्टेप्स मिलेंगे, उसी को फॉलो करते हुए गेम में आगे बढ़ना है। बस आपको एक चीज़ की ध्यान जरूर रखना है कि जितना हो सके उतना एकदम साइलेंटली कूल आपको आगे बढ़ना है विदाउट मेकिंग एनी नॉइस। बस जितना हो सके उतना धीरे धीरे जो डायरेक्शंस आपको मिलते हैं और जो एनिमल्स के फुटस्टेप्स आपको दिख रहे हैं उसी को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है। स्क्रीन पे देख सकते हैं जब भी आपको वाइब्रेशन मिलते हैं जिसका मतलब है कि आगे कुछ ना कुछ एनिमल छुपा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे दूर पे एक रैबिट इधर उधर घूम रहा है, बस उसको टारगेट करेंगे, देखते हैं सक्सेसफुल होता है या नहीं। तो रैबिट को हंट करना काफ़ी मुश्किल बात है क्योंकि वो बहुत ही तेज़ी से इधर उधर घूमता है और बहुत ही डिस्टेंस पे है और छोटा एनिमल है तो टारगेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। चलिए गेम में आगे बढ़ते हैं और सर्च करते हैं वाइल्ड डीर, अगर मिल जाता है तो अच्छी बात है, वाइल्ड डीर को हंट करेंगे। तो चलिए गेम में आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों एक और बार आप सबसे रिक्वेस्ट है कि गेम में बने रहिए और साथ में सब्सक्राइब कर दीजिए अजहर लाइव यूट्यूब चैनल को और प्रेस कर दीजिए बेल आइकन। तो अब और बीच में आपको ये भी सुनाई देगा कि एनिमल्स की आवाज़ें भी सुनाई देगी, उसको ट्रैक करते हुए आपको उसी डायरेक्शन पे आगे बढ़ते चले जाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फुटस्टेप्स, इसी को फॉलो करते हुए हम ऊपर चढ़ेंगे, देखते हैं उस तरफ कुछ एनिमल दिख सकते हैं। अभी मैं फिलहाल कुछ तेज़ी से आगे बढ़ रहा हूँ, जैसे आप एनिमल के करीब जाओगे उस वक्त आपको एकदम स्लो से मूवमेंट को देखते हुए आगे जाना चाहिए। तो अभी इस पहाड़ी के उस तरफ तो अभी फिलहाल तो कुछ नहीं दिख रहा है, चलिए अच्छी तरह आगे बढ़ते हैं गेम में जब तक हमें कुछ ना कुछ दिखाई नहीं देता। दोस्तों यहाँ पे मुझे कुछ दिखाई दे रहा है बहुत ही दूर पे, चलिए धीरे से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये एक्चुअली क्या है। यस, यहाँ पे एक ब्लैक टेल डीर है, तो यही आज का टारगेट है, बस इसको किसी भी तरह हंट करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्कर पे काफ़ी दूर है, लगभग 100 मीटर डिस्टेंस पे है, उसको यहाँ से टारगेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो धीमे धीमे धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं, लगभग 50 मीटर डिस्टेंस तक हम आगे जाएंगे, वहाँ से एक बार फिर से टारगेट ट्राई करते हैं। तो काफ़ी करीब आ चुके हैं, मुझे लगता है यहाँ से ठीक रहेगा शॉट, या नहीं कुछ और जाना चाहिए, और मुझे लगता है और थोड़ा करीब जाना चाहिए। यस, यहाँ से बिल्कुल सही है टारगेट, डिस्टेंस भी लगभग 50-60 मीटर्स पे है। विंड काफ़ी हैवी है इसी वजह से थोड़ा टारगेट करने में दिक्कत हो रही है। 3, 2, 1, परफेक्ट शॉट। ओ ये क्या है, बस एनिमल मेरी तरफ तेज़ी से दौड़े चले आ रहा है। ऑलराइट, ओके, यहाँ पे आगे आके गिर गया, चलिए इसको पहले देखते हैं। दोस्तों दिखते में छोटा लग रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लड सैंपल्स। तो आगे बढ़ते हैं, एक्चुअली मैंने हिट किया था उसको, ये यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एक और जगह ब्लड सैंपल गिरा हुआ है,
तो काफ़ी खून निकला है इसमें से, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जो एक्चुअल स्पॉट था वो यही था, यहाँ पे जो खड़ा हुआ था एनिमल हमने शूट किया है उस जगह से, लगभग 60 मीटर, लगभग 60 to 70 meters का डिस्टेंस से हमने शॉट किया है। तो वापस वो उसी तरफ दौड़े चले आया, यहाँ पे ब्लड सैंपल एक बार फिर से देख सकते हैं यहाँ पर सामने से, तो इधर आके गिर गया, तो हम इसी को अभी एक्सेप्ट करते हैं। सो इससे आपको क्या मिलता है, चलिए अब हम इसी को एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ब्लैक टेल डीर और फीमेल है, लगभग 50 kg है, 48.68, अ वेरी कॉमन आई थिंक, ओके। ट्रैकिंग डिस्टेंस लगभग 434 meters दूरी से मैंने इसको ट्रैक करते हुए यहाँ तक पहुँचा है। तो इससे आपको मिलते हैं 109 XP और 896 cash, और इस सेशन का स्कोर है 300। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ओवरऑल कैश है 6234। ये प्रोफाइल कार्ड है, आप देख सकते हैं राइट नाउ आई एम प्लेइंग ऑन लेवल 3, सो स्टिल आई नीड अप्रोक्सीमेटली 600 मोर पॉइंट्स टू क्रॉस द लेवल 3। तो चलिए गेम में आगे बढ़ते हैं, काफ़ी अंधेरा हो चुका है, सो मुझे चाहिए एक और किल आज के दिन के लिए। सक्सेसफुली हमने एक किल कर लिया, सो देखें अभी थोड़ी देर और घूमेंगे फॉरेस्ट में, कहीं ना कहीं एक और अगर मिल जाता है तो ठीक है, लेकिन अंधेरा काफ़ी हो चुका है, तो इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे। दोस्तों अंधेरे में हंट करना काफ़ी दिक्कत होती है क्योंकि आपको विजिबिलिटी बहुत ही कम रहती है। ओ यहाँ पे कुछ ना कुछ सिग्नल मुझे इस तरफ से मिल रहा है, कुछ वाइल्ड एनिमल का सिग्नल मिल रहा है, वाइब्रेशन, तो हम इसी तरफ आगे बढ़ते हैं। जब भी आपको कहीं ना कहीं सिग्नल मिलता है आप उसी डायरेक्शन पे आगे बढ़ते चले जाना है। सो देखते हैं इस तरफ हमें क्या मिलता है। व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन, यहाँ पे देख सकते हैं ऑलरेडी मून, ब्राइटनेस अच्छा है। इस कंडीशन में विजिबिलिटी काफ़ी डाउन हो चुकी है, बिल्कुल अंधेरा हो चुका है, बट कुछ ना कुछ मुझे आगे से साउंड मिल रहा है, जहाँ से वाइब्रेशन मिल रहा है कि कुछ ना कुछ वाइल्ड एनिमल आगे ज़रूर है। इसी तरह आगे बढ़ते हैं और मैक्सिमम ट्राई करते हैं कि एक और किल आज कर सकें। काफ़ी दिक्कत होती है अंधेरे में हंट करना, लेकिन आगे बढ़ते हैं हम इसी तरह। मुझे लगता है काफ़ी करीब आ चुका हूँ मैं, किसी भी तरफ पे हो सकता है। यहाँ पे फिर से आप देख सकते हैं एक और बार आपको नॉइस सुनने को मिल रहा है, बट स्टिल आई कांट सी एनीथिंग, कुछ ना कुछ ज़रूर है यहाँ पे। Guys, you can hear the noise. It is very loud. I think I am very close to the wild animal, within maybe 5-10 meters away. So बहुत ही करीब हूँ मैं, शायद मुझे लगता है मेरे पीछे से भी आ सकता है या कहीं ना कहीं से आ सकता है, मैं इधर आके फंस गया हूँ बस। अभी मुझे बिल्कुल ध्यान से टारगेट करना है। ओके, यहाँ पे लगभग मैं बहुत ही करीब हूँ, कुछ ना कुछ सामने आगे पे है। ओ यहाँ पे आप देख सकते हैं वाइल्ड एनिमल, वाइल्ड मेरी तरफ, गाइस जस्ट मिस, इट इज स्टिल हियर समवेयर वेरी क्लोज टू मी, आई कैन स्टिल हियर द फुटस्टेप। गाइस काफी तेजी से मेरी तरफ दौड़ा और धक्का दे के निकल गया। ओ इधर ही खड़ा है, चलिए इसको फिर से टारगेट करते हैं, खत्म।
आप देख सकते हैं यहाँ पे एक वार्थॉग है, वाइल्ड पिग है, बहुत ही हैवी है गाइस, बहुत ही बड़ा है। इसको एक्सेप्ट करते हैं और देखते हैं इसमें कितने पॉइंट्स मिलते हैं। सो जैसे बोला था, सक्सेसफुली आज के दिन के लिए दूसरा खेल हो गया, दूसरा हंट हो गया। एक तो हमने पहले किया था ब्लैक टेल डीर, और इस बार हमने किया वार्थॉग, आई मीन द वाइल्ड पिग। तो चलिए इसको एक्सेप्ट करते हैं। वार्थॉग क्लास 4, वाओ दिस इज ह्यूज गाइस, 110 kg, ऑलमोस्ट आई हैव डन द ट्रैकिंग 82 meters। ऑलराइट, सो आई हैव गॉट 255 पॉइंट्स एक्सपी, कैश मिलता है 1100 रुपीज, सेशन स्कोर 450। ठीक है, चलिए इसको एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पे आप स्कोर कार्ड फिर से एक बार देख सकते हैं, लेवल 3। यहाँ पे प्रोफाइल कार्ड आप फिर से देख सकते हैं, अजॉय लाइफ। गाइस स्टिल आई नीड 250 पॉइंट्स, आई मीन 250 एक्सपी टू मूव टू लेवल 4। होपफुली नेक्स्ट गेम आई कैन अचीव दैट। दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द गेम प्ले। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एक बार फिर से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।